हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और टाइटल आपने पढ़ा ही होगा, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए मुझे शीन ने कुछ तोहफे जो है वो सेंड किए हैं। हालांकि चॉइस जो होती है वो मेरी होती है, क्योंकि हमको क्या पसंद होता है वो हमें पता होता है, और हमें कौन सी साइज चाहिए होती है तो वो सब कुछ हमें करना पड़ता है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि शीन की वेबसाइट पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो इस वजह से मैं इनके साथ मतलब काम करती हूँ, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के इस बार मैंने कपड़े लिए और कुछ डिफरेंट लिया है। इस बार मैं आपको बता दूं, मैंने हम चारों के लिए लिए हैं सच्चे में, और विंटर के हिसाब से लिया है क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंड है, तो मैंने इस हिसाब से कुछ ड्रेसेस विंटर के हिसाब से लिए हैं। और चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। तो मैंने मोस्टली सारे पजामा सेट ही लिए हैं, सारे के सारे चारों के लिए लिए हैं। और ये रोप, इसको बोलते कुछ रोप बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मेरा पजामा सेट जो है मेरे लिए, मेरे जो पजामा सेट है मैंने अपने लिए लिए है तीन। और तो सबसे पहला है ये ग्रे कलर का पजामा सेट, जैसे कि आप देख रहे हैं, और मेरी जो साइज़ है वो है एम साइज़, और यहाँ पे कैप भी है जैसे कि देख रहे हैं। और क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मटेरियल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ये देखिए फिर से मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का मटेरियल है। और आगे से मतलब दो मिनट, आगे से जो है वो कुछ इस तरह का है। ओके, सो उसके नीचे की पैंट जो है, पजामा सेट है तो इस वजह से उसके नीचे पैंट है, तो वो भी इसी कलर की है, पूरी की पूरी प्लेन है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पजामा सेट। और मैंने ऐसी शॉपिंग कभी भी नहीं की थी ऑनलाइन, मतलब शीन से, तो ये ऐसे लोकल मार्केट में मुझे नहीं पता है मिलते हैं, बट हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं मिलते। तो ये देखिए, और ये है सेकंड मेरा पजामा सेट, बहुत ही बढ़िया है, ब्राउन और ऑफ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने स्लीव जो है, सारे के स्लीव जो है फुल है, लॉन्ग स्लीव्स है, क्योंकि अभी ठंड है तो आपको ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए। उसके बाद इसकी कॉलर जैसे कि देख रहे हैं राउंड नेक की है, और यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी देखिए कितना बढ़िया है ना, स्वीट एंड क्यूट है। और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉकेट मतलब ऐसे बंद हो सकते हैं, तो ये बंद नहीं होते हैं एक्चुअली, ये शो के लिए दिखावे के लिए है, बट बहुत ही बढ़िया है ये देखिए। और इसकी पैंट भी, इसका कॉम्बिनेशन ब्राउन है, तो प्लेन ब्राउन कलर की पैंट है ये देखिए, प्लेन। सो ये हुआ हमारा सेकेंड पजामा सेट। देन उसके बाद थर्ड वाला भी मैंने लिया है, इसकी एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारा है, सब कुछ बढ़ चुका है, ऐसे ऐसे रख दिया। सो थर्ड वाला जो लिया है ना मैंने, सो ये वाला पजामा सेट, ये बहुत ही बढ़िया है ये देखिए, मतलब स्लीव जो है वो कुछ इस तरह के है, और फुल जैसे कि टॉप जो है उसी तरह का दिख रहा है, बट ये स्वेटर काइंड ऑफ ही है। ओके, और यहाँ पे कुछ तो लिखा है, आई एम गोइंग टू सी, यस, और पीछे से कुछ इस तरह का है। और इसकी जो पैंट है ना वो ब्लैक कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो स्लीव्स पे जो डिज़ाइन है ना वही उन्होंने पैंट पे दी है, ब्लैक कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन और उस पर डिज़ाइन। सो मुझे लगता है कि विंटर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है ना। फिर इसके बाद मैंने स्वामी गणेश के लिए कुछ ड्रेस लिए हैं, नाइटी लिए, बट हुआ क्या कि मैं फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग कर रही थी, तो मेरे से कुछ एक गलती हो गई कि मैंने शोल्डर का मेजरमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग लिया एक ड्रेस का, तो वो एक ड्रेस जो है वो बड़ा आ गया। एक्चुअली मेजरमेंट जो होते हैं वो वहाँ पर मेंशन किया, बट मैंने पता नहीं उस टाइम गलती कर दी, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है। सो ये 120 का लिया, एक्चुअली मुझे लगता है 100 में, हाँ यहाँ पे जो मेजरमेंट है वहाँ पे 120, तो वहाँ पे 100 का लेना चाहिए था, तो शायद मे भी मतलब अच्छी तरीके से बैठ जाता मेरे बच्चे को, बट क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरे सिस्टर इन लॉ की एक बेटी है, तो मैं उसको दे दूँगी,
मेरे बच्चों को नहीं तो उसके बच्चे को तो हो जाएगा, बट क्वालिटी वाइज देखिए बहुत ही बढ़िया ये नाइट ड्रेस। मतलब मैंने क्रिसमस स्पेशल के लिए लिया था ये, देखिए सेंटा स्क्वाड, तो इस वजह से मैंने लिया था। और ये है उसकी पैंट, जैसे कि क्रिसमस स्पेशल के लिए है, बट एनीवेज मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के बेटी को दे दूँगी। और फिर उसके बाद सौमिश्री को मुझे लगा था ये 90 का है, 90 मेजरमेंट है, बट ये भी अगेन बड़ा हो गया, बट ये गणेश जी को बैठ जाएगा, तो ये गणेश जी को मैं पहनाने वाली हूँ। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं सेंटा क्लॉज की जो है वो कैप है, और मटेरियल वाइज भी देखिए बहुत ही बढ़िया मटेरियल, ऐसे नहीं कि हल्का मटेरियल वगैरह है, पीछे से भी कुछ इस तरह का है। और इसकी पैंट भी जैसे कि यहाँ पे पैंट पे पूरा सेंटा क्लॉज का जो है वो पूरा टोपी का ये डिज़ाइन दिया गया है, ये देखिए। गणेश जी को मैंने अभी तक नहीं पहनाया है, क्योंकि अगर मैं गणेश जी को पहनाऊंगी तो स्वामी जी को भी चाहिए होगा, तो इस वजह से अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली पहन, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस है, एक तो बेटी का नहीं, एक तो सो देखते अभी क्या करेंगे। और उसके बाद ये रोब लिया है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट ये ठंड के लिए बहुत ही बढ़िया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, तो कैसे दिखेगा वो भी चेकआउट कीजिएगा। मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी लिया है, बेल्टेड रोब है ये, रोब ही बोलते हैं, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। और ये नीतेश का है, और ये देखिए जिसको बिल्कुल ही ऐसे वाले ड्रेसेस पसंद नहीं है, बट मैंने लिया है क्योंकि कुछ अलग काइंड ऑफ का है। और यहाँ पे पॉकेट्स है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये देखिए। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया वाला मटेरियल, तो ये तो मैं इनको बोल रही हूँ कि पहनो पहनो, एक या दो ही बार पहना है बट बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैंने भी अपने लिए लिया है ये, और मेरा जो है ना तो इसके पीछे डिज़ाइन भी है, मतलब लाइक एक ये देखिए इसके पीछे जो है वो डिज़ाइन भी है, लेट्स डांस, मुझे लगता है ये दो रैबिट्स हैं, यस रैबिट ही है। और मटेरियल तो इतना बढ़िया है ना, इसका बेल्ट भी देखिए बहुत ही सब कुछ मटेरियल का सब कुछ अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पे इसकी जो कैप है ना ये रैबिट की तरह कैप है, और मेरा जो साइज, दो मिनट में इसको बस ऐसे ही पहनती हूँ, यस। सो यस, तो ये की थी मैंने शीन से शॉपिंग, मेरी क्रिसमस या फिर समझ लीजिएगा मेरे क्रिसमस और न्यू ईयर का तोहफा जो शीन ने मुझे सेंड किया है। और आपको मैं बता दूँ, शीन से जो भी अगर आप ऑर्डर करते हो ना, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे मेजरमेंट होता है, एस साइज़ होती है, एम साइज़ होती है, एक्सेल होती है, तो सब चेकआउट कीजिएगा। और वहाँ पे साइज़ पे जब आप जाते हो साइज चार्ट भी देखिएगा। और घर में अगर हमारे पास टेप होता है तो उसके अपना शोल्डर जो है वो चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने गणेश स्वामी जी का चेक नहीं किया था, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी कि वो बड़े हो गए, मुझे लगा था कि यार ये हो जाएंगे, बट एक्चुअली आपको सभी को पता है मेरे बच्चे इतने हट्टे कट्टे नहीं है ज़्यादा, तो मे भी इस वजह से भी, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो चार्ट देखा था, मुझे अभी याद आ गया कि 120 का देखा था, तो वो थ्री टू फोर ईयर्स बेबीज़ के लिए था, तो मुझे लगा था कि यार बैठ जाएगा। बट हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग करते टाइम थोड़ा सा मेजरमेंट जो है वो आप लीजिएगा, शोल्डर वगैरह होते हैं, शोल्डर सबसे पहले चेक कीजिएगा मेजर टेप वगैरह से, तो वो मेरी गलती होगी। बाकी के सारे जो ड्रेसेस हैं नितेश को और मुझे एकदम परफेक्ट आ गए, एकदम परफेक्ट। और ये जो साइज़ है मेरी, तो ये एम साइज़ है, और मुझे बहुत सारे लेडीज़ ने ये कहा था कि शीतल शीन के ड्रेसेस जो होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं, तो मैं एक गलतफहमी जो है वो दूर करना चाहती हूँ। देखिए शीन एक ऐसी वेबसाइट है ना, मतलब वहाँ पे मोस्टली मुझे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ के ड्रेस मिल जाते हैं, जो कि मुझे लोकल मार्केट में, मुझे तो मेरे सिटी में तो नहीं मिले हैं, तो मुझे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि हर कोई बड़े सिटी में नहीं होता है, या फिर मेरा अगर देखूँ तो मैं हर टाइम बाहर, मतलब बड़े सिटी में जाके हमेशा शॉपिंग तो नहीं कर सकती, तो ये घर बैठे ड्रेस जो है वो आ जाते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ ने ये भी पूछा कि कितने दिन में आ जाते हैं, 8 डेज, हाँ
एट डेज लीजिएगा, 8 डेज या फिर 10 डेज तक आपको मिल जाते हैं सारे ड्रेसेस। और हाँ, वो भी महंगे का, क्योंकि बहुत सारी लेडीज कहती है कि शीतल ये बहुत महंगे ड्रेसेस होते हैं, बट मैं एक सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अच्छी क्वालिटी के अगर आपको कपड़े लेने तो थोड़े से महंगे तो होंगे, बट ये ऐसा नहीं कि मैं मतलब मैं ही महंगे लेती हूँ, वहाँ पे एक कैटेगरी होती है। तो अगर आप वहाँ पे प्राइस जो होती है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे अगर आपको जितने भी रेट के चाहिए होते हैं उतने रेट के मतलब ड्रेस मिल सकते हैं। बट यू नो मैंने ये भी देखा है कि मैंने कुछ कम रेट के भी ड्रेसेस मंगवाए थे तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। ऐसा नहीं कि कम क्वालिटी कम रेट के हैं तो कम मतलब ये क्वालिटी जो होगी वो होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मार्केट में, मेरा एक एक्सपीरियंस है, अगर आप 1000 रुपीज़ की टॉप अगर लेते हो टॉप, तो अगर वही 100 रुपीज़ के अगर टॉप लेते हो तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, क्योंकि 1000 रुपीज़ अगर टॉप होती है तो उसका मटेरियल वाइज तो थोड़ा सा अलग होगा। अगर 100 रुपीज़ का ले गए तो उसका मटेरियल अलग होगा या फिर वो धोने के बाद ख़राब तो होगा, क्योंकि वो 100 रुपीज़ में और ये 1000 रुपीज़ है। सो थोड़ा सा मतलब अगर आपको अच्छा क्वालिटी का बजट थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो मैं ऑनेस्टली सजेस्ट करूँगी कि आप शेन से परचेस कीजिएगा। और ये जो जितने भी सारे ड्रेसेस है उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ आपको लेनी है या फिर यही ड्रेसेस लेने हैं, आप दूसरे कैटेगरीज के भी ड्रेसेस ले सकते हो, जैसे कि अगर आपको प्लेन टॉप चाहिए या फिर अगर वाइट टॉप, ब्लैक टॉप या फिर अगर आपको वन पीस चाहिए तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। और मैं ऑनेस्ट बोलूँ, वो जहाँ वहाँ पे जो जैसा होता है मतलब आज तक मुझे वैसे ही ड्रेस मिले हैं। बस मेजरमेंट जो है वो आप सही लीजिएगा घर पे, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पर्स भी है, उसके बाद शूज़ भी है, सैंडल्स भी है, एक्सेसरीज भी है, होम डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें है वहाँ पे। तो आप एक बार शीन की वेबसाइट के नीचे दी गई लिंक पे ये भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आपको ये मेरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप सभी को बताएं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरे शीन के इस टाइम के जो ड्रेसेस है वो कैसे लगे। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।